वेलकम टू माई चैनल रमेश एग्जाम पेपर फिर परीक्षा कंप्यूटर साइंस दसवीं जमात है दोस्तों लैके आ गए अपना पेपर ठीक है। अपने को दो पेपर ऑलरेडी सी दोस्तों मैं पाते हैं तुम्हारे को ठीक है। ये तीसरा पेपर दोस्तों आया ठीक है देख लो तो ये भी पाँ अंक का ठीक है समा देते दो घंटे दिता हुआ तो पेपर मिलते जलते क्वेश्चन ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नवे सो चैनल सबसक्राइब कर लो देख सकते प्री बोर्ड परीक्षा 2023 ठीक है सैशन तो बिना टाइम वेस्ट किए आप स्टार्ट करते प्रश्न पत्र रूपरेखा पर किन्नी बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं सो मैं प्रश्न पत्र रूपरेखा डिस्कस ना करता सीधा आप भाग उड़े तो ठीक है जी। सो भाग उड़े तो अपना दोस्तों बहुत विकल्प प्रश्न आ जाते ठीक है जी तुहाडे स्कूल पूरा सॉल्व करा जब चैनल पर नवे सो चैनल में सबसक्राइब कर लवे जी ठीक है जी। सो जिमें फस्ट क्वेश्चन आ जाता अपना बहु विकल्प प्रश्न हाँ जी बहु पसंदी नहीं बहु विकल्पी उन्होंने गलत लिखा हेठ लिखिया ऑफिस टूल की उदाहरण है हाँ जी कि है दोस्तों एमएस डॉस भी है गूगल स्लाइड भी है एमएस पावर पॉइंट भी है। सो ऑल ऑफ अब आप अपना राइट आंसर आ जाना ठीक है जी सस्ता ऑप्शन अपना राइट आंसर आ जाना ठीक है जी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ जाता हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता डैश ओवर टेक्स्ट होता है जिस बिच दूजे वैब पेजा के लिंक होंगे यदा राइट आंसर दोस्तों मैं यदा आऊगा अपने ख्याल ना राइट आंसर हाँ जी दोस्तों यदा राइट आंसर अपना ऐड आ जाना ठीक है जी हाइपर टेक्स्ट ठीक है ये मैं दस ओल पवा एक पेपर से भी क्वेश्चन ऐसे गलती हुए हाइपर टेक्स्ट नोट कर लेना हूँ ठीक है जी गलती कोशिश की है। अगला क्वेश्चन जो अपना आ जाता हाँ जी कि हेठ लिखिया केड़ा एट्रीब्यूट HTML एंकर टैग द्वारा नहीं वरत्या जाता है हाँ जी दोस्तों के वरत्या नहीं जाता सो SRC ठीक है जी एड ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर आ जाना ठीक है जी। अगला जी अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है हाँ जी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एड ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर आ जाना ठीक है जी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन अपना आ जाता जी डैश एक हाँ जी डैश एक पेरीफेरल मशीन है जो कंप्यूटर तो डाटा प्राप्त करता है ग्राफिक ज टेक्स्ट के रूप में एक पेपर से आउटपुट तैयार करती है सो दा राइट आंसर अपना आ जाना जी प्रिंटर ठीक है जी एड ऑप्शन अपना राइट आ जाना नोट कर देना ठीक है जी। अगे करते आप हम अगला क्वेश्चन अपना आ जाता जी अजकल दे ब्रोशर इलैक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विच उपलब्ध हैं जिन्हों इन्हों डैश कहा जाता है हाँ जी इन्हों कहा जाता ई वोर्स ठीक है जी ई वोर्स। सो अगला क्वेश्चन अपना नैक्सट आ जाता जी खाली थावां ठीक है जी किन्ने 6 मार्क्स वाले हो गए 6 मार्क्स वाले खाली थावां हो गए ठीक है जी। सो ये भी तुहाडी सहूलत लई करांगे सिस्टम सॉफ्टवेयर आम तौर पर डैश कंप्यूटर प्रोग्राम भाषावां विच लिखे जाते हैं किहड़े प्रोग्राम भाषावां लो लैवल दे प्रोग्राम भाषावां ते मैं लिख दिंदा लो लैवल ठीक है जी नोट कर लेना। अगे क्वेश्चन अपना डैश टैग की वरतों टेबल हैडिंग नूं परिभाषित करन लई वरती जाती है सो हाँ जी TH टैग मतलब टेबल हैडिंग लई TH टैग टेबल हैडिंग ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन अपना जहाँ जेकर डैश HTTP विधि नाल फार्म सबमिट किया जाता है तो वैब पेज ते नतीजे नूं बुकमार्क नहीं किया जा सकता है यदा राइट आंसर अपना आ जाना हाँ जी आंसर आ जाना पोस्ट ठीक है ओहो उपरा करना अपना पोस्ट लिखना कॉपी तो लिख लो नोट कर लो नाले ये तीसरे आंसर अपना पोस्ट आ जाना ठीक है जी खाली थामा चो। सो अगे करिए हाँ जी डैश एक अजिहा प्रोग्राम है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर विचकार इंटरफेस के तौर पर काम करता है सो यह राइट आंसर अपना जाना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जी तो लिखा भी होना ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मैं तुम दिखा देना क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जी आ देखो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चौथे भी लिखा हुआ ठीक है इदा तुम लिख के आ जाना ठीक है नोट कर लिया। सो अगला क्वेश्चन आप करते हैं हाँ जी कर लिया डैसिक हाँ जी फिफ्थ आ जाता अपना जी ग्राफिक सॉफ्टवेयर विच डैश बखरे वक्ो बखरे लेवल लेवल होंगे जो हैं इन्हों कोई वस्तु ज इमेज फाइल दाखिल किया जा सकता है सो यदा राइट आंसर आप कर लेने देख लेने की हाँ जी अपना आंसर लेयर्ज ठीक है लेयर्ज लिख लिया इतने कॉपी तो मैं लिख के लेयर्ज ठीक है ये अपना फिफ्थ आंसर है ठीक है जी। अगला अपना छेवा आ जाता जी कि डैश रिज्यूम साडी डैश एक रिज्यूम साडी डैश काम दे इतिहास इतिहास प्रमाण पत्र होर पत्र प्राप्तियां होर प्राप्तियां हुनरां दा सारांश प्रदान करता है सो ये खाली अपना जाना सिक्ख्या ठीक है जी सिक्ख्या नोट कर लेना इदा ठीक है जी। अगे करिए अगले दोस्तों अपने आ जाता हाँ जी फुल फॉर्म जोड़े अनुफार होंगे अपने वो वाले पूरे नाम
एस टैग का पूरा नाम की है? हाँ जी कैथो देखो शेयर मैं तुम दिखा देना बी का बोल्ड टी मैं लिख के भी दिखा देना जो बी का बोल्ड ले देना ठीक है मैं लिख देना जो हूँ मैंने आते हैं बाकी तो दिखा देना पे बी का बोल्ड डी टी का डाटा डेफिनेशन सॉरी डाटा टेबल आना डाटा टेबल डी डी डाटा डेफिनेशन डी टी डाटा टेबल ठीक है जी एल आई लिस्ट आइटम लिस्ट होना लिस्ट आइटम गल हाँ जी लिस्ट आइटम ठीक है इन्ना नोट कर लो फिर अगे कर दे सो अगला अपना जी पी ई जी का पूरा नाम तो डबल्यू वाई एस आई वी वाई का पूरा नाम ठीक है सो अपना तीन नहीं आते मैं तुम तीन दिखा देना कितने लिखे इन्हों नोट कर लो जी एस वाला अपना दिखा भी हो तुम दिखा भी दिता अंडरलाइन किया बी का बोल्ड है इतने एस वाला अपना आ लिखा सर टाई खतरो ठीक है इस तरह तुम्हें करना ठीक है जी बाकी टी आर डी मैं तुम दस ही देते ठीक है जी अगे कर लेने आप हाँ जी अपना देखो जी पंजा चौथा लेने देखो ध्यान ना अपना यही सी ना जी पी ई जी का पूरा नाम की आ ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक हाँ जी एक्सपर्ट ग्रुप ठीक है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप ठीक है जी सो नोट कर लेना अगे कर दे सो अगला तो देख सकते हो कि डबल्यू वाई एस वी डबल्यू वाई जी का किया अंडरलाइन वट यू सी इज वट यू गैट ठीक है वट यू सी इज वट यू गैट ठीक है जी नोट कर लेना उम्मीद है जिन्ना मैं कराया तो याद भी हो गया होना ठीक है जी अगले अपने आ जाती जी आवाला के सारी गलत जो हाँ जी कॉन्फिडेंटलिटी ठीक है ग्रुप गुप्ता मतलब गुप्ता यह सुनिश्चित करता करती है कि एक्सचेंज किया गया डाटा अनअधिकारिक यूजर तक ना पहुँचे सही है दोस्तों ये बिल्कुल तो सही तरीके टेक कर अगला जी आ जाता अपना पब्लिशर बंद करन तो पहला सानू सारे पब्लिकेशन बंद नहीं करने चाहिए हैं गलत दोस्तों सानू बंद करने चाहिए सो गलत है टिक करना ठीक है जी गलत लिख के आना सो भाग ऐड अपना आ जाते जी गूगल डोसे करना की है छोटे उत्तर वाले प्रश्न फिर अपने आ जाते सैवंथ सो जल्दी जल्दी भी आंसर कर लेने गूगल डॉक्स का वर्णन करो सो कर दे आप जल्दी जल्दी वर्णन आज मैं डब्बा बंद किया तो देख सकते हो गूगल डॉक्स वाला अपना क्वेश्चन सी गूगल डॉक्स एक मुफ्त ऑनलाइन वर्ड प्रोसैसर है यह डॉक्यूमेंट बनाउन अते एडिट करन लई वरती जाण वाली वैब आधारित डॉक्यूमेंट प्रबंधन एप्लीकेशन है यह वर्ड प्रोसैसर रियल टाइम ऑनलाइन वर्ड प्रोसैसिंग विच साडी मदद करता है गूगल डॉक्स सानू कई किस्म दियां डॉक्यूमेंट फाइलां जिमें कि डी डॉट डी ओ एक्स डॉक्स डी डॉट पी डी एफ डॉट ओ डी टी डॉट आर टी एफ डॉट टी एक्स टी डॉट एच टी एम आदि बनाने की सहूलत प्रदान करता है सारे क्वेश्चन मिलते जलते आ रहे ठीक है जी इन भी नोट कर लियो अगे करिए सो अगला क्वेश्चन अपना आ जाता जी एच टी एम विच फॉर्मेट लिए वरते जाने वाले पांच की कहे बी बी कह बोल्ड लिए यू अंडरलाइन लिए आई सॉरी आई अटैलिक लिए अटैलिक करने लिए यू अंडरलाइन लिए तो एस जो अपना किया पांच जोड़े वो तुम दिखा देने वैसे लिख के तो एच टी एम टेबल दो ऑप्शन देती हुई ऑर्डर लिस्ट की होंगी है ऑर्डर लिस्ट बनाने लिए वरते जाने वाले टैग तो एट्रीब्यूट के नाम लिखो सो मैं आप कर लेना तो एक कर लेना ठीक है जी जाने वाला मैं पिछले वीडियो में कराया एक क्वेश्चन ऐसे तो जाकर वीडियो देख लियो चैनल पर हाँ जी क्वेश्चन अपना इस ने एच टी एम एच वरतन वरते जाने वाले पांच कीज़ तो लिखा हुआ एच टी एम एल फॉर्मेट लिए वरते जाने वाले मुख्य पांच टैग दिए गए हैं नंबर एक जो दिता बोल्ड बी अपना टैग न बोल्ड करन लई आई टैग इलैक्ट सॉरी टैलिक करन लई यू टैग न अंडरलाइन करन लई एस टैग न स्ट्राइक थ्रो ठीक स्ट्राइक थ्रो करन लई सी एस यू पी टैग न सुपरक्रिप्ट करन लई सौखा है वैसे आ मैनू तो पहले याद से वैसे तो मैं सुना भी दिता अगे करिए हाँ जी ऑर्डर लिस्ट वाला आप लैके आ गए ठीक है ऑर्डर लिस्ट नू नंबर लिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि लिस्ट आइटम लिस्ट सॉरी इस लिस्ट विच आइटमां दी सूची नू नंबर वाले फॉर्मेट विच दिखाया जाता है इन्हां लिस्टां दी वरतों उस समय की जाती है जदों लिस्ट विच आइटमां दा क्रम महत्वपूर्ण होवे ऑर्डर लिस्ट दियां लई टैग अते एट्रीब्यूट दिता हो जरा ठीक है
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਨ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਐਚ ਟੀ ਐਮ ਐਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓ ਐਲ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਲ ਆਈ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਓ ਐਲ ਟੈਗ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਸਟ ਲਿਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਲਈ ਲਿਸਟ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਚ ਟੀ ਐਮ ਐਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਪੈਨ ਅਤੇ ਰੋਸਪੈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀ ਡੀ ਜਾਂ ਟੀ ਐਚ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਸਪੈਨ ਕਲੋਸਪੈਨ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀ ਡੀ ਕਲੋਸਪੈਨ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੂ ਪੇ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਰੋਸਪੈਨ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀ ਡੀ ਰੋਸਪੈਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ